नमस्कार, मैं हूँ आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला नगर के नेशनल हाईवे किनारे मुरादाबाद रोड स्थित एसएसपी फैक्ट्री के निकट बिना नक्शा पास कराए की जा रही प्लाटिंग को मुरादाबाद से पहुंची एमडीए की टीम ने ध्वस्त करा दिया। टीम की इस कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग कराने वालों में अफरा तफरी मच रही है। आपको बता दें कि इस दौरान प्लाटिंग करा रहे सोमवीर सिंह ने पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की टीम की तरफ से मुझे किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला है। मेरी और मेरी जमीन हुई प्लाटिंग को अवैध बताकर और मुझे बिना नोटिस दिए ही प्लाटिंग पर एमडीए की टीम ने पुलिस व पीएससी फोर्स लेकर पहुंच गई, जिसने दुकानें, ऑफिस व चारों ओर हुई बाउंड्री को ध्वस्त करा दिया। इस दौरान वह अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी और देखते ही देखते कुछ ही देर में सब कुछ ध्वस्त करा दिया, जिससे उनका करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। प्राइम न्यूज 24 से कविंदर सिंह, प्राइम न्यूज 24 अमरोहा की रिपोर्ट। ये नगर पालिका गजरौला से बाहर है हमारा प्लॉट, ठीक है। तिगरिया खागर गांव का है, हसनपुर तहसील में आता है और 2013 में इसकी 143 करोड़ की एसडीएम हसनपुर में आवासीय घोषित किया गया। ये जबरदस्ती की कार्रवाई हो रही है, इसमें कि हमारा 20 लाख रुपये नुकसान हो गया। तो इन्होंने आपको आने से पहले नोटिस दिया कोई? हमें कोई नोटिस नहीं दिया आने से पहले, ना कोई बताया गया है। अच्छा, कुछ बताया भी नहीं है? बस पुलिस लेकर आए और हमें तो बंदर सर मान लिया एकदम। तो आपने रिक्वेस्ट करी थी इनसे कि मत तोड़ो इसको? बहुत कहा इनसे, इंचार्ज हैं भावन कोई एमडी है, उनसे बहुत कहा मत तोड़ोगी तो तोड़ो, लेकिन इन्होंने आपकी नहीं सुनी। अपनी मटमूर्ति में सारा के सब दुकानों में और ऑफिस में सब गिरा दिया, जबकि ये सब ग्राहकों का है। जी जी, गरीब ग्राहक है, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं। अगर एमडी इतना बड़ा सूरमा है तो एमडी को यहाँ पर 1000 बीघे में कम से कम कलामी काटनी चाहिए, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल सके, गरीब लोगों को जो है नक्शा पास हुआ हुआ अप्रूव जगह मिल सके। और हम लोग करते हैं गरीब लोगों के लिए मकान देते हैं बना के, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी सोच है कि गरीब लोगों के छत मिलने चाहिए। लोन लेकर लोग प्लॉट खरीद रहे हैं यहाँ पे, सरकारी फौजी हैं, फौजी और कुछ टीचर हैं, देश की सेवा में लगे। जरा उनकी तो क्या बीता कि उन्होंने सीमेंट लगा के यार इंटर लगा के अपने बने थी, कितना नुकसान हुआ उनका, मतलब कितना नुकसान हुआ है। एनडीए ने गजरौला में कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, अलावा केवल एमडीए के जेई जेई और सब पैसे खाते हैं। हमने पैसा नहीं दिया था क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है नहीं फालतू, इसलिए कार्रवाई की गई है, इसलिए कार्रवाई की गई है। और बाकी हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ तो होगी और किसी भाई के साथ ना हो और किसी कॉलोनी के वाले के साथ ना हो। हमारी क्या और तोड़ दें, गहरा गड्ढा कर दें, तालाब बना दें, लेकिन और किसी भी कॉलोनाइजर के साथ ये कार्रवाई ना हो, हम ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं।